अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शार्प इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। गुज़िश्ता दो दिन कबल सन सिटी में एक सैयद हमीद नामी ऑटो ड्राइवर की कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिसमें इनके सर पर वजनी पत्थर डालकर इनका कत्ल कर दिया गया था। इस सिलसिले में सैयद हमीद की मां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनके बेटे को बड़े ही बेरहमाना तरीके से मार दिया गया है। इन्होंने बताया कि चार दिन कबल हमीद ने कहा था कि इनका मर्डर होने वाला है। इनका शख्त चार अफराद पर है, जिनके नाम आमिर, जहीर, नोनी और सोहेल है। हमीद की मां ने हुकूमत और पुलिस से गुजारिश की है कि इनके बेटे को इंसाफ दिलवाए और खूनियों को जल्द से जल्द पकड़कर इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। आइए आगे की मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद हमीद की मां की जबानी। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद हमीद की शार्प इंडिया न्यूज से यह तफसीली रिपोर्ट। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सलाम अलैकुम, मैं सैयद हमीद की वालदा हूँ और मेरे बच्चे का मटर सन सिटी में हुआ। मेरा बच्चा बेगुनाह बेकसूर था। मेरे बच्चे का मटर बहुत ख़तरनाक करे, मेरे बच्चे की चेहरा तक नहीं देखे, चेहरा तक नहीं देखे हम। पेट के ऊपर 36 वारा है मेरे बच्चे के, पेट पूरा चीर के डाल दिया मेरे बच्चे को। और हमारे को आके चार दिन पहले बोल रहे थे मेरा मटर होने वाला है, मेरा मटर वाला होने वाला है। मेरा को जहीर के ऊपर शक है बोल के रो रहा था। उन लोगों का चार जनों के ऊपर मेरे को शक है। ये जल्द से जल्द केस को उठाइए साहब। वो चार जनों के नाम आमिर है, जहीर है और नोनी है, सोहेल है। तो जहीर, आमिर, नोनी है कौन लोग? उनके साली के बच्चे हैं। सगी साली के? हाँ, सगी साली के बच्चे, वहीं रहते थे, वहीं रहते थे। धमकी दे रहे थे उसको बच्चे। पहले से कुछ दुश्मनी थी क्या? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑटो चला दो साल पहले, तीन साल पहले हमला करे उसके ऊपर, तो बच्ची भगा दी पीछे से, दीवार के पीछे से कूद के चले जाओ पापा बोले, तो चड्डी पे भाग के आ गया मेरा बच्चा। मेरे को मार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं बोल के बस ये थे। और अब फिर का ये कत्ल खत्म करके कर दिए मेरे बच्चे। तो बेटे के रहते किधर थे? सन सिटी में रहते थे मेरे बच्चे, सन सिटी में रहते, ससुराल में रहते, ससुराल में रहते थे। कितने बच्चे? तीन बच्चे हैं, दो लड़कियाँ हैं, एक लड़का है। बच्चे उनके कौन जिम्मेदारी लेंगे? उनको पालने वाला कोई था नहीं, था नहीं है। और हमारे को भी घर चलाता था मेरा बच्चा, हम बेसहारा हो गए, अल्लाह का सहारा था। उसके बाद बाप माजूर है, उसके बाद बच्चे का सहारा था। दो दिन पहले आके बाबा के पैर पड़ के रो के सिगरेट दे के गया, अब्बा मेरा मटर होने वाला है बोला बच्चा। हम नहीं केयर करें, झूठ बोल रहा है, नहीं झूठ बोल रहा हूँ, खपा दिए हम मेरे बच्चे को, खपा दिए। क्या चाह रहे पुलिस से? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। बस है।